इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड. डिस्कस फ्रेश फोटोलिसिस मेथड टू स्टडी द काइनेटिक्स ऑफ फास्ट रिएक्शंस. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 12 या 16 मार्क्स से रिलेटेड आता है. राइट, तो फास्ट रिएक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें इंट्रोडक्शन देनी है. फास्ट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच अटेन्स इक्विलिब्रियम इन फ्यू सेकेंड्स. मीन्स ऐसी रिएक्शन जो कुछ ही सेकेंड में आपके पास इक्विलिब्रियम को रीच कर देते हैं, उनको हम फास्ट रिएक्शन कहते हैं. द रेट ऑफ फास्ट रिएक्शन कांट स्टडीड बाई कन्वेंशनल मेथड लाइक पीएच टाइट्रेशन. स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द प्रोग्रेस ऑफ दिस रिएक्शन. राइट, तो इन मेथड को हम कन्वेंशनल मेथड जैसे पीएच टाइट्रेशन होगी, इन मेथड से हम इनको स्टडी नहीं कर सकते हैं. हमारे पास कुछ स्पेशल मेथड होते हैं जो इन स्टडी इन रिएक्शन को स्टडी करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज फ्लैश फोटोलिसिस. फ्लैश फोटोलिसिस होती क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज फास्ट रिएक्शन टेक्निक फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन. तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन को स्टडी करने के लिए कॉमनली यूज की जाने वाली एक टेक्निक है. इट इज़ यूज टू मेंटेन नैनो सेकेंड रेंज. फ्लैश फोटोलिसिस टेक्निक. फ्लैश फोटोलिसिस की टेक्निक क्या है, इट इज़ लिमिटेड बाय अ फ्लैश ड्यूरेशन टू टाइम्स विच आर यूजली ग्रेटर देन 1 ईयर्स. There is no need to reach times shorter than this, particularly to absorb and study the absorption of excited singlet state, which typically have lifetime in the nanosecond range. आपके पास जो प्रिंसिपल है फ्लैश फोटोलिसिस का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. What is the principle of flash photolysis? So, a gas mixture flows into the reaction vessels and reaction are initiated by a burette of intense radiation from the flash lamp. The second flash lamp act as a source for measurement of the absorption spectrum of the resulting gas mixture. So, ये आपके पास principle है flash photolysis का. इसमें क्या होता है कि एक गैस का मिक्सचर होता है, ठीक है, वो फ्लो करेगा रिएक्शन वेसल्स में, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास रिएक्शन क्या हो गया, इनिशिएटेड हो जाएगा. उससे हमारे पास रेडिएशन आ जाएगी फ्लैश लैम्प के ऊपर. ये आपके पास फ्लैश लैम्प है, इसके ऊपर आपके पास रेडिएशन आ जाएगी, ठीक है. फिर जो आपके पास सेकंड फ्लैश लैम्प है, वो एक्ट ऐसे कैसे एक्ट करेंगे, एज अ सोर्स एक्ट करेगा फॉर द मेजरमेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द रिजल्टिंग गैस मिक्सचर. तो कौन कौन से आपके पास प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है फ्लैश फोटोलिसिस के. सबसे पहला था है एपरेटस अपार्ट फ्रॉम अ स्पेक्ट्रोग्राफ आर इनिशिएटेड फोटोलिसिस फ्लैश सोर्स. नैनोट्रिंग फ्लैश सोर्स introduce a delay between these two flashes and for subsequent kinetic work at selected wavelength. So, आपके पास जो ये टेक्निक है फ्लैश फोटोलिसिस की, ये डेवलप हुई थी 1949 में. इट इज़ यूज टू स्टडी रिएक्शन दैट आर लाइट डिपेंडेंट. तो किन रिएक्शन के लिए यूज होगी, जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होंगे. फोटोसिंथेसिस एंड रिएक्शंस इन दी कोन्स ऑफ द रेटिना ऑफ आवर आई. बट दिस रिएक्शन मेथड can also be applied to other reactions such as to study the fast reaction in gaseous state, but nowadays it's studied in liquid state. In this method, the sample is subjected to very powerful, the flash is so intense cause the excitation of reactant molecule or the formation of free radicals. Since excited state is unstable, reactant molecule re-emit equivalent amount of energy in the form of light. Applications, the method is valuable tool for the identification of transient chemical intermediate and hence for the study of mechanism of fast chemical reactions. Observations of the spectra of excited singlet state, short-lived triplet state and chemical event in the nanosecond time range are described. Conclusion, agar hum baat kare, so during flash photolysis reaction can be proceed in very short time like in nanosecond. सो ये था आपके पास फ्लैश फोटोलिसिस का कॉन्सेप्ट. एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है उससे रिलेटेड, ठीक है. सो एड्सॉर्प्शन होता क्या है, एड्सॉर्प्शन आपके पास एक सरफेस फिनोमिना है. जो क्यों हमारे पास ये फिनोमिना आया, ड्यू टू रेजिडुअल फोर्सेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल. राइट, सो फिजिस ऑप्शन का मतलब क्या हुआ, मीन्स इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास वीक बॉन्डिंग होती है, लॉन्ग रेंज वंडरवॉल इंट्रैक्शंस फिजिकल एड्सॉर्प्शन में पाई जाती है. एग्जाम्पल लैंडर डिस्पर्शन, डायपोल डायपोल एक्सेट्रा. केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें, द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग
एंड शॉर्ट रेंज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इंक्लूडिंग ऑर्बिटल ओवरलैपिंग एंड चार्ज ट्रांसफर. सो इसमें वीक बॉन्डिंग होती है, इसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है. दे आर रिवर्सिबल, दे आर इरिवर्सिबल. देयर इज नो सरफेस स्पेसिफिसिटी, देयर इज सरफेस स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट. शो मल्टीलेयर सैचुरेशन, शो मोनोलेयर सैचुरेशन. एंथैल्पी की बात करें तो ये लाई करती है 5 to 50 kg per mole एंड इट बिलोंग्स टू 40 to 800 kg per mole. ठीक है, सो कौन कौन से फैक्टर है जो आपके एड्सॉर्प्शन को इफेक्ट कर रहे हैं. सबसे पहले आता है हायर द सरफेस एरिया हायर विल बी एड्सॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर. हमने बात की कि रेजिडुअल फोर्सेस प्रेजेंट होती है सरफेस के अंदर, तो रेजिडुअल फोर्सेस क्या होती है, ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती है. ठीक है,